हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, आप हालत देख रहे होगे रोड की कितनी भयंकर है। मुझे मतलब दो कदम आगे का भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी ज़्यादा फोग है आज। एंड आज मैं बताने वाला हूँ इस फोग में तीन चीज़ें जो आपको मेजरली ध्यान रखनी है अगर आपको आपकी जान प्यारी है तो भाई इसको वीडियो को चलो शुरू करते हैं। जो पहली चीज़ है ना भाई, वो है कि वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको स्पीडिंग नहीं करनी है, बट ऐसी फोग में आपको स्पीडिंग तो छोड़ो, आपको नॉट मोर देन 50 की स्पीड नहीं चलना है। 50 60 भी चल सकते हो, लेकिन अगर आपके में ऐसे कर्वी हाईवे है ना जिसमें कहीं पे भी टर्न आ रहा है, तो आप 50 से ऊपर की स्पीड नहीं लो, क्योंकि भाई उसमें रिस्क है। अब देखो, मेरे को सिर्फ ये लाइनों के सहारे चल रहा हूँ मैं, इन लाइनों के सहारे, बाकी मुझे कुछ भी लिटरली आप खुद देख सकते हो भाई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इसीलिए, और अब फ्रॉन्क्स में आपको पता है फॉग लाइट्स तो आती नहीं है, तो कि थोड़ी बहुत भी विजिबिलिटी बने, और दिन के टाइम तो भाई वैसे भी कुछ वो काम नहीं आती। तो भाई आप कोशिश करो कि आप इस लाइन के सहारे चलो, एंड ज़्यादातर ट्राई करो कि आप स्लो लेन में चलो एंड 50 की स्पीड में चलो। फास्ट लेन में तो भूल जाओ भाई चलना, अगर क्योंकि इसमें तो फिर भी जो लोग भगाने वो भगाने, जैसे बसेज हुई, ट्रक्स हुए, उनसे तो आपको पता वो तो भगाते हैं अंधा, उनके लिए कोई फोग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए स्लो लेन में चलो एंड ये इन लाइनों का फॉलो करते हुए चलो, वरना भाई आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप लिटरली देख सकते हो भाई, मुझे दो कदम का भी नहीं दिखाई दे रहा, तो कितना रिस्की बन जाता है इन सब केसेस में। एंड दूसरी चीज़ जो भाई आपको ध्यान रखने वाली है कि आप अपनी हेडलाइट्स ऑन कर लो, ठीक है भाई। आई नो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, बट वो भाई हर जगह जलेंगे सिवाय फोग के अपने आप। तो भाई इन सब केसेस में अपन को क्या करना है, अपन को सिंपली अपनी हेडलाइट्स ऑन कर देनी है। लोग इंडिकेटर ऑन करके चलते हैं, जैसे मैं दिखा दूँ अभी, ये जो स्विफ्ट वाला है, ठीक है, इसने चारों इंडिकेटर अपने ऑन कर रखे, बट कर सकते हो आप, बट इसमें कैच ये है कि आपको अगर कहीं टर्न लेना होगा आपको पहले बंद करो, ये सब रहता है। ये हैजार्ड लाइट्स होती है, ये अगर आपकी गाड़ी कहीं ख़राब होती है तब जलाने की होती है, इसलिए आप अपनी हेडलाइट्स ऑन कर लो ताकि पीछे में जो गाड़ी चल रही हो उनको आपकी जो टेल लाइट होती है वो विजिबल रहे। जैसे कि इस भाई ने अपनी हेडलाइट्स भी ऑन कर रखी, चलो हैजार्ड भी ऑन कर रखे, लेकिन इतना भी आप कर सकते हो, अगर आप हैजार्ड चाहो कर सकते हो, बट हेडलाइट जरूर अपनी ऑन कर लेना, क्योंकि उससे पीछे वाली गाड़ी को पता रहेगा कि आगे कोई गाड़ी है या नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो भाई लिटरली कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एंड ऐसे केसेस होते हैं अगर आप हेडलाइट्स वगैरह ऑन नहीं करते हो ना, उन केसेस में ही अगर आप कोई मान लो आगे गाड़ी खड़ी होती है तो आपके लिए बड़ा रिस्क बन सकता है। उस सब केसेस में पीछे से भी ठुक सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई आप खुद देख सकते हो अभी दो गाड़ियां गई, वो दिखी भी नहीं दो कदम आगे जाने के बाद। तो ऐसे केसेस में काफ़ी डेंजरस हो जाता है। एंड ट्राई टू कीप ऑन योर लेन, अगर अपनी लाइन में रहने की कोशिश करो भाई, क्योंकि अगर आप ऐसे बार बार लाइन चेंज करोगे पता नहीं कब गाड़ी कहाँ पर है, कौन सी, ठुक जाएगी। थर्ड चीज़ है भाई कि अपनी ये जो साइड मिरर है ना, इनको फोग हटाते रहो, या तो आप ये चला दो, या ज़्यादातर केसेस में क्या होता है आप एक बार अपनी विंडो रोल डाउन करके वापस चढ़ा लोगे तो ये हट जाती है, आप देख लो, ठीक है। तो आपको पीछे का भी व्यू थोड़ा वो जितना भी है उतना दिखता रहेगा, तो उस केसेस में आपकी भी एक सेफ्टी बनी रहती है। तो ये हो गया भाई थर्ड चीज़, जो आपको इतनी हैवी फोग में, जो आप देख सकते हो कि मुझे 2 इंच का भी कुछ नहीं दिख रहा, तो आप देख सकते हो। एंड भाई जो फोर्थ चीज़ है ना, वो है भाई आप ये फोग कैसे हटाओगे। तो भाई सिंपल सा इसका एक तरीका है कि आप हालत देख सकते हो भाई, वो हैरियर गई है, वो इतनी कम दिख रही है, उसके आगे एक इनोवा भी है, वो भी इतनी नहीं दिख रही, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी हैवी फोग है। एंड अभी वो गायब हो चुकी है लिटरली, अभी भाई ये ऑल्टो का देख लेता है कितनी दूर में बेसिकली गायब हो जाती है ये, आप देख लो, ये भाई स्लो ही चल रहा है, लेकिन इस लेन में गलत चल रहा है। अगर आपको स्लो चलना है तो इस लेन में बिल्कुल मत चलो, आप देख सकते हो भाई, मतलब लिटरली थोड़ी दूर जाके तो गाड़ियाँ डिसअपियर हो रही है, इतनी ज़्यादा फोग है ना कि, और मुझे, मैं बस लाइनों के सहारे चल रहा हूँ लिटरली, और मुझे कोई भी मेरे लिए सहारा नहीं है कि मैं ऐसे यहाँ पे, मेरे को थोड़ी बहुत भी विजिबिलिटी मिल रही हो। तो भाई एक बार मैं साइड में लगा देता हूँ, अगर आपको मान लो कहीं रोकनी पड़ जाए ऑन हाईवे, तो आप पहले जगह ढूंढ लो भाई, ठीक है, एंड वहाँ को हाईवे से, रोड से थोड़ा दूर पार्क करो गाड़ी को, ताकि किसी भी टाइप का कोई डेंजर ना बने। अभी जैसे मैं यहाँ रोक देता हूँ गाड़ी को, चाहे मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, लेकिन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अभी यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत विंडशील्ड पे फोग दिख रही होगी, आपको वो हटानी कैसे है, ठीक है, आपको सिंपली ये वाला दबा देना। अगर तो फोग अंदर की साइड है तब तो आपका कंप्रेसर ऑन रखना, वरना गाड़ी अपने हिसाब से फोग हटा देती है। अगर बाहर की साइड फोग है ना, उस टाइम पे हीटर काम करेगा, या फिर इनके अपने आप ये देख लेता है। अगर फिर भी फोग बढ़ जाए ना, तो आप एक बार हीटर बंद कर दो और कंप्रेसर चला दो, ये फोग हट जाएगी। एंड भाई देखो, एकदम विंडशील्ड क्लीन हो चुकी है। एंड अगर आपको पीछे वाली विंडशील्ड क्लीन करनी है ना, आप सिंपली ये रियर वाला आप देख सकते हो, ये दबा दो, आपकी धीरे धीरे फोगर्स है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, आप देख सकते हो।
एंड पीछे की फोग भी हटना चालू हो जाएगी। एंड भाई जो आखिरी चीज है जो आपको इतनी हैवी फोग में ध्यान रखनी है वो है भाई इन ट्रक्स का अभी गया जो, क्योंकि भाई इनका कुछ भरोसा नहीं है, आधे तो लाइट जला के रखते हैं, इनके आधों के पीछे की लाइट काम नहीं करती तो आपको पता भी नहीं चलेगा लिटरली कोई आगे खड़ा है। ये इनका ये भी नहीं भरोसा कि ये कहाँ पार्क करके खड़े हो जाए। हाँ ज़्यादातर ट्रक्स वाले नहीं करते लेकिन कुछ कुछ होते हैं भाई और वो कुछ कुछ ही मरवा जाते हैं। तो इन सब केसेस में आपको क्या करना है, सिंपली आप इस लेन में चल रहे हो स्लो चलो एंड इन ट्रक्स वालों का ध्यान रखो, ठीक है। फोग में एक विजिबिलिटी अपन को वैसे कम मिलती है और फिर अपन इनको भी क्या दोष दे भाई, अगर अपन को विजिबिलिटी कम मिल रही है इनको तो मिल ही रही है, इतनी ऊपर बैठे हैं हाइट पे ये, तो भाई इनसे थोड़ी दूरी बना के चलो क्योंकि पता नहीं भाई इनको दिखे ना दिखे एंड ये इधर उधर काट दे, उन सब केसेस में आपके थोड़ा नुकसान होने के चांसेस है क्योंकि भाई इनकी भी फिर उस केस में कोई गलती नहीं रहती कि उनको दिखाई नहीं, ठीक है भाई। तो चलो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जो मेरे रुल जाने दिल ना करी, मैं आके बैजा कोल मेरे पल तस।